नमस्कार दोस्तों, इजी लर्निंग इंडिया में आप देखिए, आज मैं आपको बताऊंगा क्लैट की 2022 की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। एक्चुअली वीडियो बनाने में थोड़ा देर हो गई है, 1 जनवरी को नोटिफिकेशन आउट हो गई थी क्लैट 2022 की। देखिए क्लैट का जो एग्जाम है वो लॉ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए है, एक क्लैट यूजी के लिए होता है, एक पीजी के लिए होता है। सो मैं आज आपको जो यूजी की नोटिफिकेशन आउट हुई है मैं उसके बारे में बताऊंगा। क्लैट क्लैट की फुल फॉर्म होती है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, और क्लैट जो है वो 104 कॉलेज पार्टिसिपेटिंग है क्लैट के अंदर। इसका मतलब ये है कि अगर आप क्लैट एग्जाम क्लियर करते हैं जिसका स्कोर होता है वो 104 कॉलेज एक्सेप्ट करते हैं क्लैट का स्कोर। सो बेसिकली मेन जो है वो 23 NLUs है इंडिया में, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, जैसे NLU नलसर, बेंगलुरु, पटियाला, देन योर जोधपुर, देन लखनऊ एसेट्रा। देखिए बच्चे, हमारे इंडिया में 23 NLUs हैं और वो सारी जो है वो क्लैट के थ्रू नहीं होती, उसमें से 22 क्लैट के थ्रू होती है और एक NLU जो है वो है NLU दिल्ली, उसका खुद का एग्जाम होता है आईलेट। हम नेक्स्ट वीडियो जो है वो आईलेट के बारे में बताएंगे। आईलेट की फुलफॉर्म होती है ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, आईलेट बेसिकली NLU दिल्ली के लिए होता है। तो अब मैं आपको क्लैट 2022 के बारे में बताऊंगा कि कब निकला था, लास्ट डेट कब है और सभी इंपॉर्टेंट डेट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पैटर्न, सिलेबस और आप कैसे इस एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लैट की जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हुई थी 1 जनवरी 2022 को, जो लास्ट डेट है वो है 31 मार्च 2022। सो आपकी जो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो 31 मार्च है। देखिए बच्चे, आप 31 मार्च को फॉर्म मत भरना, आप उससे पहले ही फॉर्म भर देना, आपके पास अभी 2 महीने हैं, बिकॉज लास्ट डेट में सर्वर डाउन हो सकता है, आपकी पेमेंट एक्सेप्ट ना हो, आपका कार्ड ना चल रहा हो, तो लास्ट मिनट की जो हसल है उसके अंदर आप बिल्कुल भी मत पड़ना और अपना फॉर्म पहले ही फिल कर देना। जो भी बच्चे लॉ की तैयारी कर रहे हैं वो इस फॉर्म को जरूर फिल करें जो अभी क्लास 12th में है। आपका जो एडमिट कार्ड है वो आएगा 3rd week ऑफ अप्रैल में, और जो एग्जामिनेशन डेट है वो है 8 मई 2022। 8 मई 2022 को क्लैट का एग्जाम होगा, और जो अभी टेंटेटिव टाइम है वो है शाम को 3 बजे से लेके 5 बजे तक ये एग्जाम होगा। 2 घंटे का आपका ये एग्जाम होता है। जो आपका रिजल्ट है वो 3rd week ऑफ मई में आ जाएगा, और काउंसलिंग जो है वो 2nd week ऑफ जून में स्टार्ट हो जाएगी। काउंसलिंग आपकी ऑनलाइन होगी, ये बात ध्यान रखना, आपको ऑनलाइन अपनी प्रेफरेंस फिल करनी होगी अपनी रैंक और अपने स्कोर के आधारित पे। जो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं वो वेबसाइट है, NLU की एक वेबसाइट है, उसका नाम है कस्टोडियन ऑफ NLU। एग्जैक्ट वेबसाइट का नाम मैं आपको नीचे दे रहा हूं, तो यहां पर आपको वेबसाइट का नाम देख लेना। वेबसाइट का नाम है custodianofnlu.ac.in। ये आपकी वेबसाइट है जिसपे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। सो ये मैंने आपको सभी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बता दिया। तो आप अपनी NLU की तैयारी शुरू कर दीजिए, और अगर आप अभी NLU की तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। हमारे बैच शुरू हो चुके हैं और एक लेटेस्ट बैच जो है वो हमारा 10 फेब से शुरू होने वाला है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ क्लैट 2022, जो यूजी के लिए जो आपका क्लैट का एग्जाम होता है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि आपके मिनिमम 45% होने चाहिए क्लास 12th में, और इसमें कोई एज लिमिट नहीं होती, ठीक है। आप एज मिनिमम एज दे सकते हैं, चाहे आप 15 साल के हो, और एज मैक्सिमम एज आप ये एग्जाम दे सकते हैं। सो इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं होती यूजी के लिए, आपका बेसिकली मैं आपको ये बता रहा हूं। देखिए 45% किसी बच्चे के आ जाते हैं, सो आप 45% स्कोर कर सकते हैं और इजिली इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो अपनी तैयारी जो अभी से ही जारी रखिए जो बच्चे लॉ में इंटरेस्टेड है, बिकॉज आप ये मत सोचना मैं 90% लेके आ जाऊंगा तो बहुत, चाहे आपके 90 आ जाए, चाहे 95, चाहे 100 आ जाए, आपके मिनिमम जो है वो 45% मार्क्स होने चाहिए, और उसके बाद आपको एंट्रेंस क्रैक करना है, फिर आप जो है वो एडमिशन पा सकते हैं क्लैट के अंदर। अभी आपको मैंने जनरल कैटेगरी के लिए बताया, ओबीसी के लिए बताया, आपको 45% मिनिमम मार्क्स चाहिए। अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से, तो आपको मिनिमम 40% क्लास 12th में स्कोर करने हैं जिससे आप इस एग्जाम में बैठ सके, और अगर आप अच्छी रैंक ला सके तो आप एक एलिजिबल हो जाएंगे किसी भी अच्छे NLU जाने के लिए। देखिए अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका पैटर्न क्या होता है, इसके अंदर मेन एग्जाम के पॉइंट क्या होते हैं और सिलेबस क्या होता है इस एग्जाम के लिए। ये साल में क्लैट जो है वो कंसर्टोरियम ऑफ NLU है वो क्लैट लेती है, कंडक्टिंग बॉडी है कंसर्टोरियम ऑफ NLU। फ्रीक्वेंसी साल में एक बार होता है, एक नेशनल लेवल एग्जाम है। लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश में ही एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। मोड ऑफ एप्लीकेशन है ऑनलाइन। जो जनरल बच्चों के लिए जो फीस है फॉर्म की वो 4,000 रुपए है, और मोड ऑफ एग्जाम जो है वो ऑफलाइन है। काउंसलिंग का जो मोड है वो ऑनलाइन है।
मैं आपको पहले बता चुका हूं कि पार्टिसिपेटिंग कॉलेज 104 कॉलेज में इसका जो स्कोर है वो वैलिड रहेगा। एग्जाम ड्यूरेशन 2 आवर्स है और जो नंबर ऑफ सीट है वो अप्रॉक्सिमेटली 2800 सीट है, 2800 सीट्स। अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करते हैं तो 2800 बच्चों में से आपका नंबर आएगा जो टॉप के जो कॉलेजेस हैं। देखिए मैं आपको एग्जाम पैटर्न बताऊंगा। अंडर ग्रेजुएट लॉ जो क्लैट के लिए होता है एग्जाम ड्यूरेशन है 2 आवर्स। ऑफलाइन मोड से एग्जामिनेशन होगा। मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है जिसको हम MCQs बोलते हैं, मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं जो क्लैट यूजी है उसके अंदर आते हैं 150 क्वेश्चंस। टोटल मार्क्स होते हैं 150। सो 1 मार्क्स करेक्ट आंसर के लिए और 0.5 मार्क्स इनकरेक्ट आंसर के लिए। जो आपकी जो लैंग्वेज होती है वो होती है इंग्लिश। ये इंग्लिश में ये एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। अब मैं आपको सिलेबस के बारे में बताऊंगा। पैटर्न ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सिलेबस। देखिए जो क्लैट 2022 है वो 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है। वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल दी सेक्शंस। सेक्शन 1 इंग्लिश। इंग्लिश लैंग्वेज है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं 28 से 32 के बीच में और आपको पता है पर क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करता है तो मार्क्स 28 से 32 के बीच में लाई करते हैं। सेक्शन 2 करंट अफेयर एंड जनरल नॉलेज। करंट अफेयर एंड जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं 35 से 39 के बीच में और मार्क्स जो है वो 35 टू 39 है। देन सेक्शन 3 लीगल एप्टीट्यूड और लीगल रीजनिंग जो होती है वो एक तरीके से आपका IPC कॉन्स्टिट्यूशन ट्रॉट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये सभी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं ये लीगल एप्टीट्यूड में आते हैं। तो 35 टू 39 क्वेश्चंस आते हैं और पर क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करता है तो 35 टू 39 क्वेश्चंस आते हैं। लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग के 28 से 32 क्वेश्चंस होते हैं और पर क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करता है तो 28 से 32 के बीच में मार्क्स कैरी करते हैं। और बच्चों लॉजिकल रीजनिंग में है जैसे एलोलिज्म पजल फिटिंग अरेंजमेंट एनालॉजी क्लासिफिकेशन एसेट्रा। तो बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं रीजनिंग के अंदर भी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 5th सेक्शन क्वांटिटेटिव टेक्निक और मैथ्स और इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। 13 से 17 क्वेश्चंस आते हैं। सबसे कम वेटेज जो होती है वो मैथ्स की भी होती है इसके अंदर बिकॉज आप लॉयर बनने के बाद भी ज्यादा आपको मैथ्स चाहिए नहीं होती है, आपको लीगल रीजनिंग और जनरल नॉलेज ज्यादा चाहिए होती है लॉयर बनने के बाद भी बिकॉज वो ही सारा आपका लॉजिक्स पे डिपेंड करता है। तो 13 से 17 मार्क्स जो है वो इसके अंदर होते हैं। 13 से 17 मार्क्स कैरी करते हैं ये वाला सेक्शन बिकॉज पर क्वेश्चन 1 मार्क्स और माइनस में जो है नेगेटिव में है -0.25। तो टोटल क्वेश्चंस हो गए आपके 150, टोटल मार्क्स हो गए 150, टोटल क्वेश्चंस हो गए 150 एंड टोटल मार्क्स हो गए 150। 2 आवर्स के लिए एग्जाम होता है, 2 आवर्स के लिए एग्जाम होता है और आपको हर सेक्शन को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ते हैं जिससे आपकी रैंक अच्छी आ सके। सो अब मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी रैंक कैसे बेटर कर सकते हैं, कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए। पिछले 8 साल से मैं इस एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूं। सो मैं आपको जो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताऊंगा एंड टिप्स बताऊंगा जिससे आप ये एग्जाम इजीली क्रैक कर सकते हैं। हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लैट 2022। तो मैं अब आपको बताऊंगा आपको कैसे प्रिपेयर करना है क्लैट 2022 के लिए। देखिए आपको सेक्शन वाइज पढ़ना है, इंग्लिश को अलग पढ़ना है, जीके को अलग पढ़ना है, मैथ्स को अलग पढ़ना है, फिर लीगल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग को अलग पढ़ना है। आपको सबसे ज्यादा जो अपना टाइम देना है वो 2 सेक्शंस के ऊपर देना है, वो है जीके देन योर लीगल एप्टीट्यूड, उसके बाद आप इंग्लिश लॉजिकल रीजनिंग या लॉजिकल रीजनिंग को ज्यादा टाइम देना है, फिर इंग्लिश और सबसे कम टाइम जो देना है आपको वो देना है मैथ्स को बिकॉज उसकी सबसे कम वेटेज होती है। तो जो जीके है उसके अंदर आपको करंट अफेयर्स पढ़नी है। करंट अफेयर्स के लिए बच्चे आप हमारी वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं easylearningindia.com, उस पे पूरे पिछले 1.5-2 साल की करंट अफेयर अवेलेबल है। करंट अफेयर्स के बाद है ज्योग्राफी। देखिए ज्योग्राफी जो है ज्योग्राफी आप क्लास 10th की जो बेसिक लेवल की ज्योग्राफी है आप वहां तक पढ़ाई कर सकते हैं। तो और अगर आपको ज्योग्राफी के बारे में जानना है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, हम उसमें ज्योग्राफिकल फैक्ट डालते रहते हैं जैसे लॉन्गेस्ट रिवर हाइएस्ट माउंटेन्स इन सब के बारे में हम जो है वो अपने इंस्टाग्राम पेज पे डालते रहते हैं तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल हमारा यहाँ पे कहीं आ रहा होगा। फिर है साइंस। साइंस भी जो है वो बेसिक 10th लेवल तक आती है तो आप NCERT बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको सभी जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं जीके के अंदर वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब है सेकंड है लीगल एप्टीट्यूड। देखिए लीगल एप्टीट्यूड या फिर लीगल रीजनिंग ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी वेटेज भी बहुत ज्यादा होती है, अमूमन 35 से 39 40 क्वेश्चंस होते हैं और इसके अंदर जो है वो आपके आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। सो कॉन्स्टिट्यूशन की समझ अच्छी तरीके से होनी चाहिए। फिर आपके आते हैं IPC इंडियन पीनल कोड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ट्रॉट इंटरनेशनल एक्ट इंटरनेशनल लॉ। तो ये सभी मेजर सब्जेक्ट्स हैं लीगल रीजनिंग के अंदर और आप जो है
इसके लिए आप हमारी जो नोट्स हैं या आप हमारी क्लासेस को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, बिकॉज ये आपको मैं कंसोलिडेटेड जो है वो सभी चीजों के बारे में आपको हमारी वेबसाइट या हमारी ऑनलाइन क्लासेस में ही मिलेगा। थर्ड, इंग्लिश। इंग्लिश के लिए आपको फर्स्ट तो हिंदू पढ़ना पड़ेगा न्यूज़पेपर। हिंदू पढ़ने के दो बेनिफिट्स हैं, एक तो आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होगी, आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी, जो आपकी ग्रामर है वो स्ट्रांग होगी, सेकेंडली आपकी जो करंट अफेयर है वो भी स्ट्रांग होगी। सो इसमें एक पंथ दो काज है एक तरीके से। इंग्लिश के लिए आपको जो बुक है द वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस, ये आपको पढ़ना पड़ेगी। तो इसमें अलग अलग वर्ड्स होते हैं, अलग अलग आइटम्स हैं, इससे आप जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और जो इंग्लिश के टॉपिक्स होते हैं वो होते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो होते हैं, जो आज के जो करंट सिनेरियो जैसे कोविड है, जैसे यूक्रेन रशिया का इशू है, एक्सेट्रा, कोई भी डोमेस्टिक या इंटरनेशनल इशू है जैसे इलेक्शन है, तो इसके ऊपर एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, आप उसको पढ़ के आपको आंसर देने पड़ते हैं। फिर इसमें क्लोज टेस्ट होता है, फिर वोकैबुलरी, सिनोनिम, एंटोनिम, सो ये सभी जो है वो मेजर टॉपिक्स हैं इंग्लिश के अंदर। फोर्थ, लॉजिकल रीजनिंग। देखिए लॉजिकल रीजनिंग के अंदर डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि सिलोजिज्म, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन, एज, ब्लड रिलेशन, सीरीज, मिसिंग नंबर, तो ये सभी मेजर जो है वो आपके टॉपिक्स हैं लॉजिकल रीजनिंग के अंदर। लॉजिकल रीजनिंग की जो वेटेज है वो थोड़ी कम होती है, सो लेकिन इतनी भी कम नहीं होती कि आप छोड़ सकते हैं, आप इसको छोड़ नहीं सकते, आपको इसको करना पड़ेगा। बिकॉज अगर आपने ज्यादा प्रैक्टिस करी और आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड हो गया तो आप एकदम से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। आप जीके देखिए, जीके बहुत वास्ट है, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक्स हैं, तो वो सभी टॉपिक्स हम कवर कराते हैं अपनी ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस में। सो आप जो है वो हमारा इजी लर्निंग इंडिया का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं या फिर लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। मैथ्स का जो वेटेज सबसे कम होती है, इसके अंदर आपके वर्क एंड टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, DI, ये सभी आपके जो है वो मेजर टॉपिक्स हैं। सो आप मैथ्स के जो टॉपिक हैं वो RS अग्रवाल से पढ़ सकते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय RS अग्रवाल। लेकिन अगर आपको मैथ्स के ट्रिक चाहिए, टिप्स चाहिए, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि बिकॉज 15 मार्क्स आपके हाथ में है, ये लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स के 15 मार्क्स हाथ में, बिकॉज अगर आपने एक बार टॉपिक कर लिया, एक बार टॉपिक पे आपने अगर पकड़ बना ली, तो फिर आप इजिली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जीके में थोड़ा वास्ट है, सो बच्चे इसमें थोड़ी दिक्कत आती है। ये मैंने आपको जितने भी मेजर टॉपिक्स हैं या किस तरीके से प्रिपेयर करना है मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको कुछ टाइम टेबल के बारे में बताऊंगा, जैसे कि आपके बोर्ड के एग्जाम और क्लैट के एग्जाम साइमल्टेनियसली पढ़ना पड़ेगा, तो आपको 2 घंटे दिन में निकालने पड़ेंगे, 1.5 से 2 घंटे। जैसे कभी आपने जीके रिवाइज कर ली, कभी आपने मैथ्स रिवाइज कर लिया, कभी लॉजिकल रीजनिंग रिवाइज कर लिया, सो ये आपको अपना टाइम निकालना पड़ेगा। फिर आपको एक प्रॉपर स्लीप चाहिए, 7-8 घंटे चाहिए, जितना हो सके इंटरनेट से डिस्ट्रैक्शन होनी चाहिए। अगर आप इंटरनेट भी चला रहे हैं तो YouTube चला रहे हैं, Instagram चला रहे हैं, तो आप ऐसे पेजों को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जैसे इजी लर्निंग इंडिया को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं YouTube चैनल पे, ऐसे ही आप ऐसे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करिए जहां से आपको करंट अफेयर की अच्छी नॉलेज मिले, ऐसे Instagram पे, तो आपका जो इकोसिस्टम है वो सारा ऐसा बन जाएगा कि आप हमेशा एग्जाम के तरफ जो है अपनी प्रिपरेशन बढ़ाते रहेंगे। फिर अपने नोट्स को प्रॉपर रखिए, जो आपको रिवाइज करने हैं लास्ट के 15 दिन में, तो जो नोट्स हैं आपके, जो हम आपको पढ़ाएंगे वो नोट्स तो आपको लिखने ही हैं, साथ में आपने हिंदू से कोई ऐसी करंट अफेयर के नोट्स हैं सो वो आपको बना लेने हैं। सो बच्चे ये सभी मिला के एक आपकी अच्छी प्रिपरेशन होगी, और आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस है और सबसे कम दाम पे है ये मार्केट में, ओनली फॉर 9999 में ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, और बहुत ज्यादा कम कीमत है, इंडस्ट्री बेंचमार्क से तो बहुत ज्यादा कम है। इसमें आपको जो है वो स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपको ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस, क्लास नोट्स मिलेंगे, आपको आपको ऑनलाइन काउंसलिंग तक हेल्प की जाएगी, और उसके बाद आपको किस टाइप की लॉ में स्पेशलाइजेशन चूज करनी चाहिए, BBA LLB करनी है, BCom LLB करनी है, BBA LLB करनी है, तो आपको पूरी करियर गाइडेंस दी जाएगी। तो आप प्लीज हमारे ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और प्लीज बेल आइकन को जरूर दबाइए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए, बिकॉज अब हमारे रेगुलर लेक्चर्स भी आएंगे और हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएंगी और लॉ कॉलेज के लिए और अंडर ग्रेजुएट एग्जाम्स के लिए सभी नोटिफिकेशन आएंगी।
थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू सो मच। We'll be right back.